आधा अधूरा सीसीटीवी फुटेज क्यों? पांच पांच सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सवालों से सामना, भागी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस का झूठ पकड़ने वाले सबूत। एक जनवरी के पांच जल्लादों पर किसकी कृपा? स्कूटी पर दोस्त वाली थ्योरी में लोचा। जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने आगे पीछे गाड़ी करी दो तीन बार। लड़की रो रही थी, उन्होंने सुना नहीं, वो चिल्लाते चिल्लाते लड़की को ले गए आगे खींच कर। आज तक की पड़ताल, बेपर्दा होती पुलिस। बहुत देर से यहाँ पर मेरी मौजूदगी है, पुलिस की कोई वैन, पुलिस की कोई गाड़ी या कोई पुलिस वाला इस हिस्से में हमें नजर नहीं आया है। और इस तरह से सुरक्षा हो रही है यहाँ पर। 5 किलोमीटर के स्ट्रेच में मैंने ट्रैवल करते वक्त ये पाया कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल नहीं है। रात के 2 बजे और अंजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज अंजलि की मौत के बाद सबसे बड़ा खुलासा, सबसे बड़ा इंटरव्यू आप आज तक पर देखने वाले हैं, क्योंकि अंजलि की मौत का सच सिर्फ 7 लोग जानते हैं। एक अंजलि जो अब इस दुनिया में नहीं रही, 5 वो आरोपी जो उस गाड़ी में सवार थे, और फिर वो लड़की जो उस रात अंजलि के साथ होटल में भी थी और उसके बाद स्कूटी पर भी, जी हाँ, उसकी दोस्त निधि। देखिए आज तक पर ये एक्सक्लूसिव बातचीत। पर्दा हटेगा कि आखिर 31 दिसंबर की उस रात क्या हुआ था। हमारे साथ वो लड़की मौजूद है जो उस दिन पीड़िता के साथ मौजूद थी, स्कूटी पर बैठी हुई थी, और जब स्कूटी पर बैठी हुई थी तब हादसा हुआ था। उस रात क्या हुआ था ये पहले बताइए। उस रात ये हुआ था कि जैसे कि गाड़ी सामने से आई, और गाड़ी सामने से आई और हम स्कूटी पे थे, तो वो लड़की थोड़ा ज्यादा थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी, सामने से आई गाड़ी, फिर गाड़ी ने एक दूसरे की टक्कर दे दी, तो वो गाड़ी के नीचे घुस गई। मैं अपनी स्कूटी के मतलब बगल में गिर गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई, तो गाड़ी के नीचे कहीं उसका पैर या कुछ उसका फंस गया था, तो फंसने के बावजूद वो निकल ही नहीं पाई, तो जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने आगे पीछे गाड़ी करी 2-3 बार। लड़की रो रही थी, उन्होंने सुना नहीं, वो चिल्लाते चिल्लाते लड़की को ले गए आगे खींच कर, लेके गए आगे खींच कर, फिर पीछे करा, फिर खींच के, फिर खींचते खींचते उसे वहां तक ले गए लड़की को। और बस यही था जहाँ का एक्सीडेंट हुआ था, सीन यही था। और हम आ रहे थे आराम से पार्टी वार्टी करके, दोनों फ्रेंड दोनों पार्टी वार्टी करके आ रहे थे, आराम से आ रहे थे हम आराम से। वो मेरे को घर छोड़ती पहले, फिर खुद घर जाती। उस दौरान ये हादसा हुआ था, मैं बच गई, वो उस हादसे की शिकार हो गई। मेरे कहने का मतलब है कि आपके कहने का मतलब ये है कि जब पूरा एक्सीडेंट हुआ तो जो कार में सवार लोग थे उनको ये जानकारी हो गई थी? उनको जानकारी थी, और गाड़ी में ना कोई सॉन्ग बज रहे थे ना कुछ बज रहा था, गाड़ी बिल्कुल शांत थी और ना लाइट वाइट थी, कुछ नहीं था, सब कुछ शांत था गाड़ी का। और उन्हें पता भी था कि एक लड़की उसकी उनकी गाड़ी के नीचे, और उन्हें पता भी था लेडीज ही है, उन्हें ये नहीं पता था कि जैन से, उन्हें पता था लेडीज है उसके नीचे। उन्होंने जान पूछ कर आगे लेके गए गाड़ी को, और उन्होंने जान पूछ कर लेके जाके, जान पूछ के ही वो घसीड़ते घसीड़ते लेके गए। उन्होंने एक बार भी उतर कर देखा नहीं कि हम उस लड़की को बचा ले। एक बात बताइए कि जब ये पूरा हादसा हुआ तो आप उसके बाद आपने क्या किया? मैं वो टॉपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, मैं सीधा घर गई। घर पे मम्मी थी, नानी थी मेरी, उन्हें बताया मैंने ऐसे ऐसे, वो गाड़ी उसको खींच कर ले गई है। और खींच कर ले जाने के बाद उस दौरान उस लड़की को उन्होंने एक बार ना पीछे पलट के देखा ना कुछ, वो उसी रोड पे जा लड़की की लाश, उसी रोड पे घूम रहे थे वो, जो मैंने न्यूज में सुना उसी रोड पे घूम रहे थे। मेरा दिमाग काम नहीं करा, मेरे को जो सही लगा कि मैं अपने घर चली जाऊं, तो मैं अपने घर चली गई। इस दौरान पैदल अपने घर गई? हाँ, पैदल अपने घर गई थी। कहाँ आपका घर था?
मेरा घर वहीं से थोड़ी सी दूरी था, सीवन की तरफ। अच्छा, फिर जब न्यूज में जैसा कि आपने बताया, देखा आपने कि इतना दर्दनाक हादसा हुआ है, 12 से 13 किलोमीटर दूर घसीट कर लड़की को ले गया, तो आपने एक बार भी पुलिस को जानकारी देने की कोशिश? मैं उस टाइम बहुत ऑपलेस हो गई थी, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मुझे जो ठीक लगा, मुझे ये ठीक लगा कि मेरे को अपने घर पे जाना चाहिए, बस मुझे यही ठीक लगा। मैं अपने घर पे, मैं सोची वो आगे जाके उतर के एक बार लड़की को छुड़वा देंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उस लड़की को जान पूछ कर आगे लेके गए, उन्होंने जान पूछ कर वो हादसा करा। तो आपकी तो दोस्त थी ना, आपके उस पार्टी मना के आ रहे थे, अगर चलिए मान लीजिए आप होपलेस हो गई, तो उसके बाद एक दिन बाद, दो दिन बाद आप पुलिस को जानकारी देती? वो मैं बिल्कुल अपनी शुद्धि में नहीं थी, मैं अपने होश में ही नहीं थी कि मैं जाकर पुलिस को बताऊं। मैं सोची कहीं वो बात मेरे पे ना आ जाए। एक होता है ना कि मेरे को लगा कि क्या करूं मैं, मेरे को जो ये ठीक लगा कि मैं अपने घर पे जाऊं, अपने घर पे बैठ के शांति से सोचूं क्या करना है क्या नहीं, कुछ नहीं समझ में आया। तो दो दिन बाद पुलिस ने पूछा, तो मैंने पूछताछ में सब बता दिया, ऐसे ऐसे हादसा हुआ था, ऐसे ऐसे उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ, और उस दौरान मैं बच गई, किस्मत इतनी अच्छी मैं बच गई, और वो लड़की उस हादसे की शिकार हो गई। आप एक बार सिक्वेंस बताइए कि 31 दिसंबर को आप दोनों उस होटल में गए थे? यहाँ। हाँ, उसके बाद क्या क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद थोड़ी सी हम, वो कह रही थी कि मैं स्कूटी चलाऊंगी, मैंने कही मैं चलाऊंगी, क्योंकि वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। उसने कहे मैं चलाऊं, मैंने कहा नहीं बहन मैं नहीं चलाने दूंगी तुझे, मैं चलाऊं। तो उसने हाथापाई करी कि ना बहन नहीं मैं चलाऊंगी, नहीं मैं चलाऊंगी, ये बात हुई हमारी, वो सीसीटीवी में दिख भी रहा। हाँ जी, उस दौरान वो बातें हुई, वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि वो ना मतलब होश में नहीं थी अपने, और मैं पीछे बैठकर भी मैंने गाड़ी को संभाला कि कहीं कोई हादसा ना जा। और पहले तो एक बार हम हादसे से बचे, हम दोनों मरते। एक बार ट्रक हमारे आगे जा रहा था, हैं, उसको गुस्सा आया कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कैसे छोड़ सकता है, मैं शादी करूंगी, ये है वो, ऐसे ही कुछ उसने बोला। तो वो ट्रक में भेड़ने जा रही थी, हम दोनों उस ट्रक के उस दौरान हम दोनों मरते। वो मैं, किस्मत अच्छी थी, मैंने क्या करा, मैंने वो आगे से पीछे से बैठ के मतलब ब्रेक मारे और साइड में करी स्कूटी, मैंने कहा ढंग से चलाएगी तो मैं तुझे चाबी दूंगी। कह रही नहीं मैं ही मेरी स्कूटी चलाऊंगी, मैं ही चलाऊंगी। उस हादसे से बचे, उस हादसे से बचने के बाद हम आगे गए। आगे जाने के बाद हम कट में घुसे, वो गाड़ी ऐसे आ रही थी, घुसने के बाद वो गाड़ी वाला रुका ही नहीं, उस गाड़ी वाले ने एकदम ठोकी गाड़ी है उसको हमने साइड भी करी, हमने स्कूटी, उसने जान पूछ कर उसने ठोकी। और वो इतनी नशे में थी, उसको मतलब होश नहीं था, वो गाड़ी के नीचे बिल्कुल घुस गई, वो रो भी रही है, फिर भी उसको गाड़ी वालों ने बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करा कि हम उतर के बाकायदा उस लड़की को निकाले उस गाड़ी में से। उसका कुछ फंस गया था, क्या फंस गया था ये मुझे भी नहीं पता, बस मैंने ये हादसा देखा, मैं बहुत होपलेस हो गई, और वो गाड़ी लेके भाग गए, जो लड़के थे उस लड़की को ही लेकर भाग गए, ऐसे के ऐसे आगे पीछे दो तीन बार करा, फिर ऐसे कैसे लेके भागे। उसी दौरान मैंने बस कुछ नहीं सोचा, मैं अपने घर चली गई। जो आरोपी है, जो कार में जिनसे एक्सीडेंट हुआ, क्या पहले से आप लोग जानते? उन लड़कों को हम नहीं जानते थे, ये सिर्फ एकदम हुआ है, पर उन लड़कों ने जान पूछ कर हमें भेड़ी थी गाड़ी, पर हम उन लड़कों को जानते नहीं थे, हमने साइड भी करी पर उन लड़कों ने एकदम हमारे में भेड़ दी। अच्छा, आगे से या बैक से? नहीं, आगे से, वो भी ऐसे आ रहे थे, हम भी सीधा आ रहे थे, मतलब सीधे आमने सामने की टक्कर हुई है, आमने सामने से ही तो वो नीचे घुस गई है। और मैं, आपने एक बार भी ये कोशिश नहीं की कि उस रात ये हादसा हुआ कि आप शोर मचाएं? नहीं, मैं उस टाइम में ना बिल्कुल मतलब मेरा माइंड काम नहीं करा कि मैं कुछ बोलूं, कुछ कहूं किसी से, मैं डर लग गया है कि क्या हो गया ये एकदम। तो सुबह न्यूज में आता है कि उस लड़की की मौत हो गई है, इस दौरान ऐसे ऐसे घसीट कर लेके गए। फिर मेरे को लगा कि यार वो छुट्टी ही नहीं वो लड़की, उसको तो उन्होंने आगे ले जाके भी उन्होंने छुड़वाने की, वो ऐसे ही घसीटते घसीटते गाड़ी में बैठे बैठे ले गए उसे नशे में। आप कोशिश करते हैं कि जो वो कोशिश करने वाला, उन्होंने टाइम ही नहीं दिया, मोमेंट ही नहीं दिया, बस उन्होंने एक बार आगे लेके गए, फिर पीछे तेजी से, फिर आगे, फिर एकदम लेके गए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अंजलि है, जो पीड़िता है, उसके परिवार को बताती कि ऐसा? मैं उनके परिवार को बताती, वो तो मेरे को ब्लेम देते ना कि तुम साथ थे, 100 बातें हो जाते, मैं क्या बताती उनके। होटल में कौन कौन लोग थे? आप, उसके थे, उसके सारे फ्रेंड थे। अच्छा। उसका बॉयफ्रेंड था, उसके फ्रेंड थे, और मेरा कोई भी जानकार नहीं था सिर्फ अंजलि के अलावा। कितने बजे आप लोग होटल में? मैं 8 बजे, करीब 8 बजे। कितने बजे आप लोग निकले?
हम निकले 2 बजे, 2 बजे मूवमेंट हुआ था ये। हाँ, मैंने कहा मैं अपने घर जाऊंगी। जब मैंने उस लड़की से जिद करी ना, मेरे को मेरे घर छोड़, और वो भी कह रही मैं अभी अपने घर जाऊंगी, उसकी उसके बॉयफ्रेंड से कोई तू मैं हो गई थी। तो उस दौरान मैं बाहर गई थी 24/7, मुझे नहीं पता क्या बात हुई थी उन दोनों के बीच, क्या नहीं हुई थी उस बातों का मेरे को नहीं पता। कोई बात नहीं। हाँ, तो उन दोनों की बातें हुई क्या नहीं हुई वो मुझे नहीं पता। मैं चली गई, मैं एकदम वहां से आई ना 24/7 से ऊपर, वो आते ही मेरे को बोलते कि घर चलते हैं। पहले अगर दिखाई दे रहा है सीसीटीवी में कि होटल से आप निकल रही हैं तो स्कूटी आप ड्राइव कर रहे हो। हाँ, फिर मैं, फिर उसने मतलब मेरे से ज्यादा जिद करी कि मेरी स्कूटी मेरे को दे वरना मैं कूद जाऊंगी स्कूटी से। तो मैंने उसी दौरान उसकी स्कूटी की चाबी उसे थमा दी। मैंने कहा लो अपनी चाबी, मैंने कहा तुम चलाओ, दे दी। जब मैं डर गई, जब ट्रक में से हम बचते बचते बचे ना, जब ट्रक हमारे ऊपर चढ़ने ही वाला था, क्योंकि ट्रक भी आ गया था, हम ट्रक के पीछे थे, तो हम दोनों मरते, कोई भी नहीं बचता हम दोनों में से, तो हम बच गए उस चीज से। और उसके बाद फिर जब आप होटल से निकले तो कितने मिनटों के बाद ये हादसा हुआ, कहाँ पर? हम जब निकले हैं उससे थोड़ी देर बाद ये हादसा हो गया था। जब ही हम निकले हैं उस रोड से, हम निकलने के बाद हम सीधे गए हैं, और जाओ दुकान, वो शॉप है ना वो सूट की, वहीं पे हम बस मोड़ी है, मोड़ते वो आगे से गाड़ी आई है, जब ये एक्सीडेंट हुआ है। आपने अंजलि की दोस्त निधि को सुना। निधि बता रही है कि अगर कार सवार लोगों ने जान बचाने की कोशिश की होती तो अंजलि बच सकती थी। उस वक्त उसे भी उतनी ही चोटें आई थी जितनी मुझे आई थी, यानी उन लोगों ने बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो चिल्लाती रही और वो गाड़ी चलाते रहे, एक तरह से उसकी हत्या कर दी। अब आइए आपको सुनाते हैं। सवाल ये भी है कि उन लोगों ने तो उसकी जान ले ली, दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? सवाल पूछोगे तो भाग जाएंगे। इंसिडेंट हुआ था, हम हैं पीठ दिखाने वाली पुलिस, दिल्ली पुलिस का गोलमाल काम। दिल्ली पुलिस अपने महकमे के नाकारेपन, अपने महकमे की कारगुजारी पर पर्दा डालने के लिए एक के बाद एक नए वीडियो टेप जारी करवा रही है। पर्दे के पीछे से अंजलि के चरित्र पर उंगली उठाने वाले बयान दिलवा रही है, लेकिन खुद को बहादुर और जांबाज बताने वाली दिल्ली पुलिस के होंठ मानो सिले हुए हैं, या फिर यूं कहें कि किसी ने दिल्ली पुलिस की जुबान पर ताला लगवा दिया है। सोचिए, 12 किलोमीटर तक अंजलि को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया। दिल्ली की चाक चौबंद सुरक्षा के दावों के बीच ऐसा कैसे हुआ? दिल्ली पुलिस की जुबान अब तक सिली हुई है। देश को जवाब चाहिए दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर, लेकिन दिल्ली की पुलिस ने बेशर्मी की सारी हदों को लांघ डाला। अपने महकमे की घोर लापरवाही पर दिल्ली पुलिस ने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला। किसी अफसर पर एक्शन तो छोड़िए, अब तक लापरवाही बरतने वालों को खुल्लम खुल्ला संरक्षण दे रही है। यहाँ आपको ये भी याद रखना है कि आरोपियों से दिल्ली पुलिस की ये कैसी हमदर्दी है कि 24 घंटों के अंदर 2 बार दिल्ली पुलिस प्रेस वार्ता करती है, लेकिन 1 जनवरी के 5 जल्लाद नशे में थे या नहीं, इस पर एक शब्द भी नहीं बोला। जबकि रोड पर यही दिल्ली पुलिस मशीन से नशा नापकर चंद सेकंड में चालान कर देती है। हैरत तो इस बात की होती है कि दिल्ली पुलिस ने अपना जमीर बेच दिया है, घोर लापरवाही के बाद भी अपनी वाहवाही से नहीं चूकी। पुलिस ने एफर्ट्स किया है, रात को जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी, और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था, तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया, फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए, स्कूटी का जो एड्रेस था उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की, और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था, सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में हैं और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। आज दिल्ली पुलिस का पूरा महकमा मानो अपनी गलती पर पर्दा डालने में जुटा हुआ है। मतलब ये कि पहले चोरी और फिर सीना जोरी। अंजलि की दर्दनाक मौत ने साबित कर दिया है कि दिल्ली के रखवालों से उम्मीद करना ही बेमानी है, यानी कि ये दिल्ली पुलिस नहीं बल्कि खोखली पुलिस है।
एक एक डिटेल जो इस पूरी खबर की आ रही है, 1 जनवरी की रात उन 5 जल्लादों ने एक तरह से दिल्ली पुलिस की पोल खोल दी है। उन्होंने साबित कर दिया, नाकेबंदी का दावा कर रहे थे लेकिन हो कुछ नहीं रहा था सुरक्षा के नाम पर, क्योंकि बीच सड़क पर सरेआम 12 किलोमीटर तक उस बच्ची को सबसे दर्दनाक मौत इन लोगों ने दी। और दिल्ली पुलिस को अब वारदात के सामने आने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा पुलिस महकमा लीपापोती में छूट गया है। देश और दुनिया को झकझोर देने वाले कांड पर दिल्ली की पुलिस ने 24 घंटों के अंदर 2 बार प्रेस वार्ता की। स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा सामने आए, पहली बार करीब 6 मिनट बोले लेकिन मुद्दे के सवालों पर चुप्पी साधे रहे। दूसरी बार सामने आए, करीब 93 सेकंड बोले और सवालों से सामना हुआ तो स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा सवालों को पीठ दिखाकर भाग गए। सवाल जस का तस है कि आखिर 12 किलोमीटर तक पुलिस ने कार सवार 5 जल्लादों को वक्त रहते क्यों नहीं पकड़ा। देश के सबसे सनसनीखेज कांड पर दिल्ली पुलिस की 93 सेकंड की शर्मनाक प्रेस वार्ता से क्या निकला, बहुत गौर से सुनिए। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहां से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो अक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सजा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। असल सवालों से दिल्ली पुलिस भाग रही है। अगर बीते दिन दिल्ली पुलिस ने जो कहा था, यानी दोनों प्रेस वार्ताओं को जोड़ दें, करीब 8 मिनट दिल्ली पुलिस बोली लेकिन प्रेस वार्ता से कुछ नहीं निकला, यानी नतीजा सिफर। सवाल पूछा गया, पूछताछ में आरोपियों ने क्या क्या कबूला, दिल्ली पुलिस जवाब देने की बजाय चुप्पी साधे रही। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी। सवाल पूछा गया, आरोपियों पर हल्की धाराएं क्यों, जवाब में फिर वही डरावनी चुप्पी। जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक डायनेमिक प्रक्रिया है, उसमें जैसे जैसे हमारे पास एविडेंस आता जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होगा या कोई आई विटनेस होगा, तो उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा और जल्दी से जल्दी हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे। सवाल पूछा गया, 5 आरोपी कहां से आए थे, कहां गए, यहां भी स्पेशल सीपी की जुबान सिली रही। पूरी टाइमलाइन बनाई जाएगी और इसके बाद ही हम एक डेफिनेट कोई व्यू ले पाएंगे कि ये कहां से आए थे और कहां जा रहे थे, बिकॉज अभी इनकी जो स्टोरी है उसको हमें वेरीफाई करना बाकी है। सवाल पूछा गया कि क्या आरोपी नशे में थे, यहां भी ऐसा जवाब दिया जो चुप्पी जैसा ही है। अभी मैंने आपको बताया कि जो बाकी इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में आपको बताएंगे। अभी मैं आपको यही जानकारी शेयर कर सकता हूं कि मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, पुलिस की कस्टडी में है, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है, सारे पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन होगा। यहां आपको ये समझना है कि दिल्ली पुलिस पर उठ रही उंगलियों की वजह क्या है, लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं, 12 किलोमीटर तक कैसे आरोपी अंजलि को कार से घसीटते रहे, पीसीआर कॉल मिलने के बाद भी दिल्ली पुलिस की नींद क्यों नहीं टूटी, आरोपियों से दिल्ली पुलिस की हमदर्दी के पीछे की अंधेर गर्दी क्या है।
शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 304 ए यानी लापरवाही से हुई मौत का मामला दर्ज किया था, लेकिन जब शोर हुआ और लोगों ने अंजलि की बॉडी देखी तो इसके बाद पुलिस ने इस मामले में 304 जोड़ा और उसके बाद पुलिस की थ्योरी आई 36 घंटों बाद कि अंजलि अकेली नहीं बल्कि उसके साथ उसकी एक और दोस्त थी। जाहिर है पुलिस अब इस पूरे मामले को किसी तरीके से निपटाने की कोशिश में जुटी हुई है। अंजलि मामले में दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में है। सवाल यही कि आखिर जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन कब होगा। प्रधानमंत्री आवास से 15 किलोमीटर दूर 2 घंटे तक कातिलों का तांडव, पूछता है आज तक जिम्मेदारों पर एक्शन कब तक। राष्ट्रपति आवास से 15 किलोमीटर दूर कार से घिसटती रही अंजलि, पूछता है आज तक जिम्मेदारों पर एक्शन कब तक। पुलिस हेडक्वार्टर से 18 किलोमीटर दूर दिल्ली पुलिस की कलंक कथा, पूछता है आज तक जिम्मेदारों पर एक्शन कब तक। अंजलि मांगे इंसाफ, कब होगा पूरा हिसाब। क्या ये मुमकिन है कि कार के नीचे किसी को घसीटा जाए 12 किलोमीटर तक और वो निकल ना पाए। क्या ये मुमकिन है कि इस तरह से जो एक्सीडेंट का दावा है दिल्ली पुलिस का, उस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से मौत हुई है। हमने कार एक्सपर्ट्स से बात की है, हमने पूरा डेमो करके देखा है, देखिए उनकी जुबानी क्या हो सकता है। समझने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं टूटू धवन, वो हमें बताएंगे कि आखिर हुआ क्या होगा। टूटू धवन जी, ये सिर्फ मेरे मन में सवाल नहीं, अब आप देखिए बलिनो जैसी कार यहाँ पे कोई इतनी बुरी तरह कैसे फंस सकता है कि निकल ही ना पाए और जान चली जाए, नेकेड से लेके पूरी स्किन से लेके सब कुछ छिल चुका है, मतलब आप देख नहीं सकते वो तस्वीरें। इस गाड़ी के आगे आप इस जगह पे उन्होंने मारा है कहीं जी। और उसके बाद वो बेचारी गिर गई, विद हर हेड, स्कूटी था तो स्कूटी को पीछे से मारेंगे तो व्हेन शी इज फेसिंग दैट साइड तो ऑब्वियसली वो पीछे ऐसे गिरेगी जी। तो उसके सिर के बल वो पीछे नीचे गिरी है और उसके ऊपर से इन्होंने गाड़ी चला दी। इसके अंदर नीचे कोई ऐसा हुक नहीं है, कोई चीज नहीं जिसके साथ वो बॉडी को ग्रैब कर ले या कपड़े को ग्रैब कर ले, नथिंग लाइक दैट। बट जब वो गाड़ी उन्होंने चलाई है तो उसकी टांग जहाँ नी है वो ऐसे बेंड करके और सस्पेंशन की आर्म में फंस गई। वो हम समझने की कोशिश, मैं आपको दिखाऊंगा जब इसको उठा के, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको अगर हम उठा सकते हैं तो प्लीज इसको उठाइए जिससे कि हम समझ पाए कि आखिर हुआ क्या होगा। यहाँ पे हम समझने की एक और चीज जो मेरे मन में आ रही थी कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी को ये पता ना चले, चाहे वो ड्रंक है, कि उसकी कार के नीचे कोई अच्छा खासा इंसान, पूरा का पूरा इंसान फंसा हुआ है। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अब एक इंसान वो कम से कम नहीं तो 40-45 किलो की होगी, कम से कम, कम से कम। और ऑन टॉप ऑफ दैट आपने मारा है उसको, सो यू ऑब्वियसली नो कि आपके नीचे कोई चीज हो सकता है फंसी हो या, और फिर उसके बाद हैवीनेस आपको गाड़ी के अंदर महसूस होती है, वो खींचने की जो होती है वो पुल महसूस होती है, सो यू कांट बी एन एब्सोल्यूट डड कि आपको पता ही ना लगे ये क्या हो रहा है। और इनको सब पता था, ये तो जान के उसको 13-14 किलोमीटर घुमाते रहे कि कहीं ना किसी तरह अपनी नया बॉडी निकल के गिर जाए।
समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या होगा, कहाँ ये फंसी होगी। जैसे जी उनका सिर अंदर गया और इधर आगे यहाँ तक सिर आ गया और इस आम इसके अंदर उनका पांव फंस गया। अब आप देखिए जहां दम समझाने की कोशिश करते हैं, अशोक जी हमारे कैमरामैन हमारे साथ हैं, ये बताएंगे कि यहाँ उसका पैर फंसा और जब उसका पैर फंसा तो ये पैर ऐसे ऊपर चला गया, ये एक्सल चल रहा है ये वाला और ये एक्सल के ऊपर लिपट गया और ये गाड़ी चलती रही, उसके कपड़े यहाँ से उसके साथ लिपटते रहे, इधर से खींचने के साथ सड़क से उसकी बॉडी के कपड़े सारे खींच गए, तो देयर वाज नथिंग लेफ्ट अकॉर्डिंग टू देम अस रिपोर्ट्स जो हमने सुनी है कि उसके देयर वाज नथिंग ऑन द बॉडी। मतलब बॉडी पे स्किन भी नहीं है, आप देखिए जैसे स्किन तो कहाँ जाएगी, जो और उसकी स्किन मास ये सारी जगह जहाँ देख रहे हो यहाँ पर खून ही खून होगा, आप देखोगे गाड़ी में अभी भी खून होगा उसमें। और उसने हमने जो फुटेज देखी थी वी आई एटलीस्ट सॉ के यहाँ पर एक हेड पीछे नजर आ रहा है और यहाँ टॉर्सो पैर यहाँ फंसा और सिर यहाँ तक आया है जो बाहर से थोड़ा सा नजर आ रहा है, बिल्कुल जो सीसीटीवी फुटेज में हम देख पा रहे हैं। मतलब आगे से उसको टक्कर लगी है उसकी स्कूटी को और वो किसी तरह से उसका पैर यहाँ फंसा है गिरने की वजह से और उसके बाद वो निकल ही नहीं पाई है। और यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है इसके अंदर, गाड़ी के अंदर जिसके अंदर कोई हुक हो या कोई, ये सब प्लास्टिक है, ये सब चीजें ऐसी है क्या जहाँ ये प्लास्टिक है सब, तो इसके अंदर कुछ नहीं हो सकता, फंसने की जगह यही है, ये डैमेज हुआ होगा और इसके साथ फिर अंदर पांव फंस गया उसका उसी बीच में इन दैट इम्पैक्ट। सो उसके बाद किसी भी कीमत पे बाहर निकलने के चांसेस बचे ही नहीं हो सकते, क्योंकि जब आपकी टांग नी फंस जाए अंदर जाके तो फिर क्या चीज निकलेगी, जब तक कोई ना कोई जिस्म नहीं खत्म हो जाएगा तब तक तो उधर निकलेगा नहीं। तुरंत रुक गए होते तो हो सकता है बेचारी इस वक्त जिंदा होती बिल्कुल। और क्या तुरंत उन्हें नहीं पता चला होगा कि ऐसा कोई इंसिडेंट, सब पता है, ये सब ड्राइवर को पता होता है, उसके स्टेयरिंग के ऊपर लोड भी आ जाता है, तो चाहे आजकल पावर स्टेयरिंग है सब गाड़ियों में, बट इंस्पाइट ऑफ दैट आप उसके ऊपर 30-40-50 किलो का लोड एकदम आ गया, यू कैन ऑब्वियसली फील इमिजिएटली कि कुछ फर्क है। वैसे तो खैर जब एक्सीडेंट होता है तो इट इज योर ड्यूटी टू स्टॉप द व्हीकल और जाके देखो आसपास के भी क्या हुआ, कोई डैमेज हुआ कोई। शुक्रिया टूटू धवन जी हमसे बात करने के लिए, क्योंकि हम समझाने की यही कोशिश कर रहे थे और बहुत सारे लोगों के मन में लगातार यही सवाल आ रहा था कि कार में ऐसा कौन सी ऐसी जगह हो सकती है जहां पे वो लड़की इतनी बुरी तरह फंसी हो कि 13-14 किलोमीटर तक यू टर्न्स लेने के बावजूद भी न निकल पाई हो, तो ये जो जगह है और जो ये वजह रही है वो बताई गई है आपको कि आखिर क्यों वो लड़की लगातार इसी तरह से फंसी रह गई। कैमरामैन अशोक के साथ शशि तुषार शर्मा, दिल्ली आज तक। आपने देखा कि इस पूरे केस में दिल्ली पुलिस के पास कोई सॉलिड जवाब नहीं है, तभी तो 1 मिनट 33 सेकंड का पीसी करके स्पेशल सीपी उठ जाते हैं। आज सवाल यह है कि दिल्ली की सड़कें क्या महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं? 11 महिला रिपोर्टर्स आज तक की सड़कों पर निकली ये जांचने के लिए कि क्या परिस्थितियां हैं रात में। दिल्ली पुलिस जो दमखम बरती है कि वो सुरक्षा पूरे कर रही है, क्या वो इंतजाम वाकई है? लेकिन यकीन मानिए जब हमारी महिला रिपोर्टर सड़कों पर निकली तो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी। इस रिपोर्ट के जरिए आप समझेंगे कि आखिर अंजलि की उस रात जो चीखें निकल रही थी कि मुझे बचा लो, वो क्यों दिल्ली पुलिस नहीं सुन पाई। देखिए ३१ दिसंबर और 1 जनवरी की रात दिल्ली में सुल्तानपुरी से कंझावाला तक रात के 2 बजे सुबह 4 बजे के बीच अंजलि के साथ दरिंदगी। दिल्ली की 20 साल की बेटी अंजलि को 5 जल्लाद कार के पहियों तले 12 किलोमीटर तक रौंदते हैं और सड़क पर घसीट घसीट कर मार डालते हैं। अंजलि के शव को देखकर रौंगटे खड़े हो जाते हैं। आज देश गुस्से में है, दिल्ली का खून खौल रहा है। सवाल यही है कि 31 दिसंबर की रात दिल्ली पुलिस आखिर कर क्या रही थी? दिल्ली पुलिस की PCR वैन कहां थी? पुलिस क्या खाकर सो रही थी कि उसे 20 साल की अंजलि की
चीखें सुनाई नहीं दी। 3 जनवरी की रात दिल्ली की सड़कों पर आज तक की 11 महिला रिपोर्ट। 72 घंटे बाद दिल्ली पुलिस का टेस्ट। बहुत देर से यहाँ पर मेरी मौजूदगी है, कोई गाड़ी या कोई पुलिस वाला इस हिस्से में हमें नजर नहीं आया है। इस पूरे स्ट्रेच में एक पुलिस वैन भी नहीं है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल नहीं है। 2 लोग हैं, दोनों ही सो रहे हैं। कई गाड़ियाँ आती हैं, रुकती हैं, लिफ्ट के लिए पूछती भी हैं। नहीं नहीं, वो बुक है ऑलरेडी, ऑफिस की तरफ से बुक हुई है। अकेले खड़े हो और तब आपको पता लगता है जब नजरें आपकी तरफ घूमती हैं। मेहरोली एरिया के पास खड़ी हूँ, कोई पुलिस बंदोबस्त या पेट्रोल वैन नहीं है। दूर दूर तक हमें ना तो कोई पुलिस कर्मी नजर आ रहा है, ना ही कोई पीसीआर की वैन नजर आ रही है। हमें कोई पुलिस या कोई नजर रखने वाला नहीं नजर आया है। यहाँ पे हमें कोई पुलिस की टीम करीबन 15 मिनट तक नहीं दिखी। आज तक की 11 महिला रिपोर्टर ये जानने के लिए आधी रात को दिल्ली की सड़कों पर निकलती है कि दिल्ली पुलिस को 12 किलोमीटर तक रगड़ती अंजलि की चीखें सुनाई क्यों नहीं दी। यकीन मानिए, आप सच जानकर न सिर्फ हैरान रह जाएंगे बल्कि हिल जाएंगे। रात के 1 बजे दिल्ली का डिफेंस कॉलोनी इलाका। आज तक की महिला रिपोर्टर अर्पिता आर्या को अकेला देख सबसे पहले एक बाइक सवार रुकता है। क्या? क्या? कुछ नहीं, इंतजार कर रही हूँ कैब का इंतजार कर रही हूँ। इस घटना के थोड़ी देर बाद एक पीसीआर वैन भी रुकती है, आज तक की रिपोर्टर से बातचीत करती है। 137 में नोएडा, यहाँ पे कैब बुलाई हुई है इसीलिए ताकि पता चले कि आप लोग आ रहे हैं, लोग सिक्योर हैं कि नहीं है, तो थोड़ा सा वो एलिमेंट दिखाने के लिए आप लोग सही टाइम पे आ गए। सुना आपने, पीसीआर वैन में बैठा पुलिस वाला खुद कहता है कि यहाँ बैड एलिमेंट्स आते हैं, यानी दिल्ली पुलिस जानती है कि किस रूट पर रात में क्या हो सकता है। और अगले ही पल आज तक की महिला रिपोर्टर के सामने वो बैड एलिमेंट खड़े हो जाते हैं और भारत सरकार के स्टिकर वाली एक टैक्सी रुकती है। क्या? कहीं नहीं भैया, कैब का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस वाला पूछ रहा था क्यों खड़ी हो, मैंने कहा कैब का इंतजार कर रही हूँ, मैंने बुलाई है। नहीं नहीं, वो बुक है ऑलरेडी, ऑफिस की तरफ से बुक हुई है, आने वाली होगी। एक टैक्सी निकलती है तो सफेद कार आकर रुकती है और आज तक की महिला रिपोर्टर को ड्रॉप करने का ऑफर देती है। नहीं नहीं, मेरी कैब आ रही है। इट्स ओके इफ यू, आई विल ड्रॉप यू समवेयर। नहीं नहीं नहीं, कैब आ जाएगी मेरी ऑफिस की तरफ से, आने वाली, मैं उसी का वेट कर रही थी बस। इफ यू वांट कंफर्टेबल आई कैन। नो नो, आई एम सॉरी, आई एम ओके। अभी कार वाला लड़की को अकेला देखकर वहां से चला नहीं कि बाइक वाला आ जाता है। किथे आ रहे हो? खड़ी हूँ। क्या जा रहे हो? क्या नहीं नहीं। स्कूटी वाले के हाव भाव से ही समझ में आता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। थोड़ी देर इंतजार के बाद बाइक वाला तो निकल जाता है लेकिन कार वाला वहीं रुका रहता है। क्या है? आप प्लीज जाइए। डिफेंस कॉलोनी में आज तक की महिला रिपोर्टर अर्पिता आर्या के पास 2 बाइक सवार, 2 कार वाले और 1 पीसीआर वैन रुकती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में लड़कियां कितनी सुरक्षित है। आज तक की दूसरी महिला रिपोर्टर दिल्ली के मुनीर का बस स्टॉप पर रियलिटी चेक करती है। अभी चंद सेकंड ही गुजरे थे कि एक बलेनो कार ने इर्द गिर्द चक्कर काटने शुरू कर दिए और हाथ से कार में बुलाने का इशारा करता है। आज तक की महिला रिपोर्टर इसे नजरअंदाज करती है।
जो गाड़ी आपने देखी काले रंग की, इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था। 3 बार ये हमारे सामने से चक्कर मार कर गया और अब आकर इसने पूछा कि आपको कहाँ जाना है। अब भी ये गाड़ी मेरे ठीक आगे रुकी हुई है। इसके बाद एक ब्लैक वैन आकर रुकती है, फिर एक होंडा अकॉर्ड कार रुकती है। हर कोई अकेली लड़की को देखकर ड्रॉप करने का ऑफर देता है। क्या हुआ भैया? सॉरी, नहीं थैंक यू, मैं आपको जानती नहीं हूँ। आई कांट हियर यू, म्यूजिक बंद कर देंगे। सर, मैं जानती नहीं हूँ आपको, कैसे जा सकती हूँ? सॉरी, आपको मर्जी, देखने दे। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।